नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विपनेश माथुर। एक सवाल जो कि अब बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 10 फरवरी को दिल्ली की जनता किसके नाम पर मोहर लगाएगी और आने वाले 5 सालों तक दिल्ली पर कौन राज करेगा। इन सभी सवालों को अपने पाले में लाकर सच कर दिखाने के लिए तीनों पार्टियों ने आज आखिरी दांव खेला। क्रिकेट खेले जाने वालों के मैदान में आज राजनीति की कुश्ती चल रही थी, लेकिन फैसला अंपायर पर निर्भर करता है जो कि जनता के रूप में इन खिलाड़ियों का खेल देख रही थी। वोट के बाजार में वादों और उपलब्धियों से ज्यादा आरोपों और हमलों का दौर जारी था और सबकी मंजिल दिल्ली पर राज करने की थी। सुपर रैलियों का आखिरी दिन और आखिरी दिन पार्टियों के कद्दावर नेताओं का जमकर दिखा जोश, उत्साह और उमंग। वाकई में नेताओं ने राजधानी के चुनाव को लेकर कसरत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कहीं रैलियों का रेला लगा तो कहीं रोड शो का जलवा दिखा, कहीं वादों की हुंकार भरी गई और दिल्ली के दिलचस्प विधानसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव में आते आते दमदार हो गया। कहीं प्रधानमंत्री का दम दिखा तो कहीं बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार किरण बेदी अपनी ताकत दिखाने के साथ साथ भावुक भी नजर आए। बात अगर राहुल गांधी की करें तो देर से ही सही, लेकिन अंतिम समय में अपनी पार्टियों की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ राहुल ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। खासकर निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो सबसे आगे चल रही आम आदमी पार्टी अपने आप में खास हो गई है। अपनी जीत को लेकर गदगद आम आदमी पार्टी अपने विरोधियों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अरविंद केजरीवाल भी राजनीति की आग में तपकर राजनीति के धुरंधरों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दिल्ली के अंबेडकर नगर में अपनी अंतिम रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने की हुंकार भरी और कहा कि नतीजों के बाद हम रुकने वाले नहीं, दौड़ की रफ्तार और तेज हो जाएगी। दिल्ली को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही और पीएम ने कहा कि दिल्ली में हवा का रुख बिल्कुल साफ है, दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनेगी। भारत की बात है, भरोसा किया जा रहा है। आप मुझे बताइए भाइयों, पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हिंदुस्तान में दिल्ली का जय जयकार करना है तो दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार चाहिए। अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जनता के बीच पहुंची किरण बेदी की भावुकता भी आंसुओं के अक्ष में दिख गई और वादा किया कि जीतूंगी तो सूद के साथ प्यार भी लौटाऊंगी। मेरे पास शब्द नहीं है, जिस तरीके का प्यार मिल रहा है मेरे पास शब्द नहीं है इनका धन्यवाद करने का। अब मैं इनको प्यार दूंगी, ये सरकार प्यार देने वाली आएगी, जो जो जनता को प्यार देगी, उसका ख्याल रखेगी, उसका ध्यान रखेगी, उसकी सेवा करेगी ईमानदारी के रूप में, ईमानदारी से करेगी। ये बहुत बड़ा विश्वास है, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। वहीं राहुल गांधी ने रैली के आखिरी दिन जहांगीरपुरी में अपना जोश दिखाया और जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादे पूरे न करने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार की बात किया करते थे, लेकिन अब उनके भाषणों से भ्रष्टाचार का मुद्दा गायब हो चुका है। इसमें कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है। पिछले 15 सालों में हमने फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई, 55 लाख लोगों को मालिकाना हक दिया, जो हमारे ठेले वाले भाई हैं उनको हमने अधिकार दिया, और जब हमारी दिल्ली में सरकार थी हमने गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी। देखिए, बाकी लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता
भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते थे, अब नहीं करते, पहले करते थे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस देश में जमीन का भ्रष्टाचार है। ठहर जाओ। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन में होता है। हम जमीनी अधिकरण बिल लाए, भट्टा परसोल में हम लड़ाई लड़े, न्यामगिरी में लड़ाई लड़े, हजारों करोड़ रुपए किसान के जेब से छीन लिया जाता है। दिल्ली चुनाव की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रही आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया और जनता से कई वादे किए, साथ ही विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा। हर काम में टांग अड़ाते थे, मेरा दिल जानता है 49 दिन मैंने कैसे काटे। जब काम करना नामुमकिन हो गया, आपने देखा होगा टीवी के अंदर विधानसभा में ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस वाले जाके इकट्ठे हो गए। इनके 40 विधायक हो गए, हमारे 28 रह गए, हम माइनॉरिटी में आ गए। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर एक भी कानून पास नहीं करने दिया विधानसभा में। इन दोनों पार्टियों ने बिल्कुल बोल भाई साहब बता रहे हैं, इन्होंने देखा था कि हमें बोलने ही नहीं दिया विधानसभा में। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर कुर्सियां तोड़ दी, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर फाइलें फाड़ दी, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर माइक तोड़ दिए। जब काम करना नामुमकिन हो गया तब मैंने इस्तीफा दिया। देश की राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा की सीटों को जीतने के लिए सभी पार्टियां जीतोड़ मेहनत कर रही हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मुकाबला तो कड़ा है, लेकिन कांग्रेस भी किसी करामात और करिश्मे की उम्मीद में है। दिल्ली के रण में 3 सूरमा 2013 की तस्वीर बदलने के लिए बेचैन है और जनता भी अपना सुल्तान चुनने के इंतजार में है। विपनेश माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। रैलियों के आखिरी दिन रैलियों का रैला देखने को मिला और वाकई में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी ने अपना जमकर प्रचार किया है, वादों की झड़ी लगाई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी पॉइंट पर फोकस किया है। वहीं बीजेपी की जिस तरीके से रणनीति रही है उसमें बदलाव जो हुआ, कहा जा रहा है ये एक चुनौती है जो रणनीति बदली है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो एक बड़ी रैली तो सामने निकल कर नहीं आई आखिरी दिन, हाँ जनसभाएं जरूर आम आदमी पार्टी ने की हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी ने काफ़ी दम भरा है। इन सबको जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये जो आखिर में कोशिश की गई है इनसे क्या पॉइंट सामने निकल कर आए हैं और पार्टियों ने किस हथियार को यूज किया, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता कीर्ति वडेरा मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता अमित मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद रहे और आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा मुकेश जी आपसे है, क्यों कोई बड़ी रैली सामने निकल कर नहीं आई, क्यों छोटी सभाएं करते रह गए आज? देखिए हम लोगों का जो हमारी स्ट्रेटजी है, शुरू से ही हम रोड शो और छोटी सभाएं करते रहे हैं। उतना बड़ी रैली हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते और जो सारे नेता हैं वो हर जगह पे इस तरह की सभाएं, पिछली बार भी हमने ऐसा ही किया था क्योंकि बड़ी रैली लगता नहीं है कोई इस बात को डाइजेस्ट करेगा, नहीं कर पाएगा। बहुत सारा जो संवाद होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, आप नाटकीय ढंग से वहाँ से बोल दीजिए चले जाइए, फिर लोग हंसते रहते हैं। छोटी रैलियों का फ़ायदा, रोड शो का फ़ायदा ये है कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे लक्ष्मीनगर में हम पदयात्रा की, बहुत सारे लोग जमा थे तो इंटरेक्शन चल रहा था, कैंडिडेट्स लोगों से मिल रहे थे, तो इससे हमें लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की जितनी भी रैलियाँ हुई हैं उसके बाद से उनका ग्राफ गिरता ही जा रहा है, तो ये कोई अच्छी स्ट्रेटजी भी नहीं है, इससे नुकसान ही होता है। तो लोगों से मिलजुल के छोटी छोटी सभाएं करते हैं। एक पॉइंट जो आपने उठाया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मात्र जनता को दिखाने की कोशिश की गई क्योंकि चंदा तो बहुत सारा मिला है आपको और पूरी दिल्ली में आपके होर्डिंग लगे हुए हैं, किसी बात से लग नहीं रहे कि आप आम रह गए हैं। जो आवाम के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ही अच्छा होता है कि हम जो पब्लिक जो आवाम है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आज एक लीगल नोटिस भी भेजा है गुरकीरत मान है कनाडा से कि 50 लाख का मैंने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है और आपने जो आरोप लगाए हैं 24 घंटे में अगर आप वापस नहीं लेते
तो कनाडा और इंडिया में दोनों में केस करेंगे, तो उसकी परतें भी खुलती जा रही है। जिस तरह से बीजेपी ने इन चीज़ों को प्रायोजित किया और उनकी हिम्मत नहीं थी कि खुद करते, क्योंकि 2500 करोड़ का अपना चंदा का वो हिसाब नहीं देते, तो ये एक पीछे से किसी को आगे करके जिस तरह की नाम उन्होंने अवाम दिया है, तो अवाम से बात करते, अवाम के पास जाते, सारी चीज़ों की तहकीकात करते। और आगे भी आप देखेंगे, पहले बताया कि झुग्गियों का एड्रेस है, फिर पता चला कि नहीं नहीं सारे कंक्रीट मकान हैं। आपको पता है कि लोग एड्रेसेस पुराने रखते हैं, लोग ड्राइविंग लाइसेंस में। पुष्प्रंजन जी, क्या आप सहमत हैं मुकेश जी की बात से कि इसलिए रैली नहीं कर पाए कि पैसे नहीं थे, कमी थी, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए और पार्टियों की तरह? नहीं, प्रधानमंत्री ने पहली बात ये करेक्ट करूँ कि उन्होंने रैली अब तक नहीं की है, मंच पे सभा हुई है उनकी, और उस सभा का मैार ये था कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब एक साथ कतार में होते थे। रैली इनकी आज हुई कृष्णा नगर में, इसमें एक महिला मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं, उनके विरुद्ध महिलाओं ने रैली की, इसमें गुल पनाग और तमाम सेलिब्रिटी थी। और उस रैली के बाद या पहले ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किरण बेदी क्यों रो पड़ी अपनी रैली में, ये भी एक बड़ा अजीब। उन्होंने कहा कि ढेर सारा प्यार मुझे मिला है और इसीलिए वो भावुक हो गई, और प्यार के जो प्यार मिला है उसका उसके बदले में वो ढेर सारा प्यार ही लौटाएंगी काम के जरिए। अब ये एक मजबूत महिला जो इतना उनका बहुत ही सशक्त महिला माना जाता है, उनका इस तरह से ये पहली बार ऐसा विजुअल देखने को मिला है जब ये रो पड़ी हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? राजनीति है, बहुत सारी चीज़ें छुपाई भी जाती हैं, बहुत सारा दर्द छुपाया जाता है। क्या उनको लग रहा है कि हारने की का उनको कहीं से ऐसा संकेत मिल रहा है कि शायद मतदाता या उनके पार्टी में ही किस तरह से गड़बड़ी हो रही है? ये सब चीजें निकल के आंसू के रूप में आई है, ये भी एक प्रश्न है। ठीक, एक सर पॉइंट ये था मुकेश जी ने जो कहा कि हमारे पास पैसा नहीं था, ये सब नहीं था, इसलिए दूसरी पार्टियों की तरह हम नहीं कर पाए, इस बात पे कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? पैसा तो कोई फैक्टर नहीं, इनके पास पैसे की वजह से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं या पैसे की वजह से कोई काम इनका रुक रहा है, ऐसा नहीं है। पैसा तो ये बड़े बड़े व्यापारियों के साथ लंच और नाश्ता करते हैं, तो उसमें 50 लाख और 1-1 लाख उसको रैलियों में नहीं फेंकेंगे हम। नहीं तो वो फंड तो वहाँ जा रहा है ना। नहीं नहीं, हम ऐसे फेंकना अफोर्ड नहीं कर सकते ना उस चीजों को। नहीं नहीं, हम बड़ी मेहनत, पैसा इन्हीं दिनों के लिए, मेहनत क्या है उसमें, कौन सा कमाना है? हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, आप गरीब आदमी से तो नहीं जा रहे हैं, झुग्गियों से तो नहीं जा रहे हैं पैसे लेने, ये तो अपनी स्ट्रेटजी है। नहीं नहीं, ये कौन सा स्ट्रेटजी की आप, ये पैसे की सेविंग किस लिए हो रही है? फिर लोगों के लिए काम करेंगे, अभी अभी बहुत सारे काम होने, पैसे बताइए थोड़े की, आप जनता को बताइए पैसा दिया आप जब अपने वेबसाइट संरक्षक हैं हम, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा जहां तहां फेंक दें। सुन लिए, जितनी जरूरत होगी उतना ही खर्चा किया जाएगा। सुन लिए मुकेश जी, आपने अपने वेबसाइट पे दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि अपने वेबसाइट पे हर आने का दे रहे हैं, लेकिन उसको कहाँ जाना है, कहाँ लगाना है, ये भी तो बताइए आप अपने वोटर को। सारा हिसाब आप मुट्ठी बंद क्यों कर रहे हैं? आप बताइए कि वो पैसे आप कहाँ खर्च करना चाहते हैं? छोटी छोटी रैलियां जितनी भी आम आदमी पार्टी की हुई है, देखिए बड़ी रैली नहीं हुई। देखिए आपकी बातों में दो बातें सामने निकल कर मुकेश जी, अरे सुन लीजिए, पहले ये है कि आप कह रहे हैं कि हम बहुत सोच समझ कर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन खर्चों के हिसाब से अगर बात की जाए तो कोई कमी नजर नहीं आई है। छुट्टियों झुग्गियों में जो रैली होती है, लक्ष्मी नगर की गलियों में रैली होती है, वहाँ की झोपड़पट्टी में रैली होती है, वो कवर नहीं होती, वो तो दिखाई नहीं देता। आपको तो सिर्फ वो कवर करना है या लोग देखते हैं जो, जिससे न्यूज़ वैल्यू बनती है, जो बड़े बड़े लोगों के साथ जो डोनेशन देते हैं हम उनसे भी बात करते हैं, झुग्गियों में भी बात करते हैं, छोटी छोटी रैली होती है, रोड शोज होते हैं, इसमें क्या आपत्ति है? सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है। इस बात की है, एक रैली होती है, हमारी 10 रोड शो होते हैं। ये बात इस बात की है कि आप चांदनी चौक के जितने व्यापारी हैं या जितने बड़े इंडस्ट्री से उनके साथ बैठ के लंच डिनर तो करते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन आप झुग्गी बस्ती में जाके कभी झुग्गी बस्ती में भंडारा नहीं कर लेते? बता रहा हूँ कि हम झुग्गियों के साथ बैठ के झुग्गियों में भी लोगों से बात करते हैं, एक प्लेट शेयर कर लेते, एक पानी की बोतल शेयर कर लेते, तो शायद आप ज्यादा आम आदमी जैसा नहीं बता दीजिए मुझे। आपकी किसी भी सभा में, ये आपका प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन नहीं, मैं तो खुद आप लोगों के स्वभाव को हमारे साथ देखा। आप अकल का दिन है, आप हमारे साथ चलिए, आप देखिए, वो फोटो खींच के आप टीवी में दिखाइए, तो दिखता है। हमारे साथी पत्रकार लोग जाते हैं, हमारे साथी पत्रकार हमारे, हमने जितनी पत्रकारिताएं की, हमने वहां पे किसी पत्रकार को नहीं देखा, खासकर जो आप लक्ष्मी नगर में बताइए कितनी रिपोर्टिंग हुई है, जो झोपड़ियों में हमने कल भी पदयात्रा की। अखबार देखते ही नहीं, इसका मतलब मैं देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप उस बात की चर्चा कहाँ करते हैं? आपने तो कहा कि हमें मौका मिलेगा बात करने का या हम बैठने आए हैं। हमारे आपके पास रिपोर्टिंग करते हैं, पांडव नगर टाइम्स में रिपोर्टिंग है
कि झुग्गी झोपड़ियों में गए हैं, आप उसकी चर्चा कहाँ की? आपने सिर्फ चांदनी चौक की। सवाल पूछा जाए तो इस तरीके का भी है आपका रटा रटा है की आप जवाब नहीं देते, जवाब आप सुनना नहीं चाहते या सुन। अगर रियलिटी को आपकी बता दे तो इस तरीके से आंसर आप सुन के अनसुना करते हैं तो आप डिसऑनेस्ट हैं, आप उसको स्वीकार ही नहीं करते। आपका बंधा कुमार विश्वास की बात कर रहे हैं जिसने महिला को अपमानित किया, और किरण बेदी पर इस तरह की टिप्पणी की, उस कुमार विश्वास की बात पे उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं, बिल्कुल आपत्तिजनक थी। ये आप लोगों का भ्रम फैलाया हुआ है। उन्होंने कहा, इससे पहले कहीं और जाए मुद्दा मुझे बोलने दीजिए। कृति जी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई है, जो रैली उन्होंने की, लोगों को संबोधित किया, इधर किरण बेदी काफी भावुक हो गई। क्या क्या था उस रैली में जिसके दम पर कहा जा रहा था कि आखिरी कोशिश काफी दमदार रही है, क्या निकल कर आया कि इस पल पर लोग विश्वास करेंगे और कहीं ना कहीं एक टर्न आ जाएगा इस रैली के जरिए? पहले जो बोलना चाहती थी आपने पहले ही प्रश्न लगा दिया, अफोर्डेबल जो पैसे की बात थी, जहां से डिबेट शुरू हुआ, मैं पैसे के मुद्दे पर डिस्कशन चाहती थी, पर पहले आपकी नहीं, आपकी बात का पहले जवाब देती हूँ। मैं आम आदमी पार्टी को संबोधित नहीं करती हूँ जो गोलमोल तोड़ मड़ोर की राजनीति लिपिपुती बातें करे मुकेश जी के द्वारा। मैं पहले आपकी बात का जवाब देती हूँ, फिर प्रश्न जरूर पूछूंगी। जहां तक रैली की बात है, हमारी 4 सुनियोजित रैलियां थी जो हमने दिल्ली चुनाव में अपने एजेंडा के साथ रखी थी। हमने अपने जितने भी हमारे चुनाव प्रत्याशी हैं 70 विधानसभाओं में, हमने इक्वल पार्ट्स में दिल्ली को बांटा था, और 4 रैलियां जो हमारी तय थी वो हमने की हैं। जहां तक किरण बेदी जी की बात है, उनका प्रशासनिक अनुभव जो है, वो स्वयं एक महिला है और भारतीय जनता पार्टी में संवेदनशील लोग हैं जो आत्मीयता से जनता के साथ जुड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे बच्चों की झूठी कसम खाने वाले लोग नहीं हैं, जिनमें कोई भावनाएं ना हो, जिनमें देश के प्रति श्रद्धा ना हो। तो एक आपके सवाल का जवाब हुआ। अब मैं दूसरी एक बात जोड़ना चाहती हूं कि जहां तक बात है इनको अफोर्ड ना करने की, तो विपनेश, कमर्शियल होर्डिंग्स दिल्ली भर में जिनका किराया 1-2 लाख रुपए प्रति माह है, उसके अलावा आप पीवीआर सिनेमा में जाएं, डीटी सिनेमाज में जाएं, जहां पर 400-500 रुपए का सिनेमा हॉल का टिकट है, वहां इंटरवल में बीच में चलता है आम आदमी पार्टी को वोट दें, अरविंद केजरीवाल को वोट दें। और ये बार बार वेबसाइट की जो बात करते हैं, मैं पूछती हूँ वेबसाइट, नहीं वो खर्चा, ये खर्चा जिन चीजों का ये खर्चा बचा रहे हैं, नहीं हमने को किसी सिनेमा हॉल में नहीं चलाया, आपके पास आदमी पार्टी है, आप खास आदमी पार्टी है, हम अखबार में ऐड दे रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। भोपाल गैस चार्जी का जो आदमी पार्टी है, उससे जो पैसा लिया है, कृति बडेरा जी, खास खर्चे और खास खर्चे वहाँ कर रहे हैं आप बताइए 2 करोड़ रुपए का हिसाब आप बता नहीं पा रहे हैं। आप कनाडा का नाम ले रहे हैं, किस सेंसिटिविटी की आप बात कर रहे हैं, बच्चों की झूठी कसम खाने का, जिन्होंने भारत के लोगों की हत्या की है, भारत के लोगों की बात कर रहे हैं, राधा नागरिक का नाम आया, जब 1.5 करोड़ जब सैनिकों के सर काट के ले जाते हैं पाकिस्तान में, अरविंद केजरीवाल का कोई बयान नहीं आता। अरविंद केजरीवाल कहते हैं बिजली पानी फ्री, मतलब दिल्ली की जनता को पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तो फ्री मिलेगा, कोई एजेंडा नहीं है, जनता को फैलाते हैं, जनता को फुसलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं जनता को, आप बनाते हैं, सर काटे जा रहे हैं, बेवकूफ आप बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल का कोई बयान नहीं आता, राष्ट्रीयता जैसी कोई बात नहीं है, राष्ट्रवादी बिल्कुल नहीं है, बात करते हैं मैं अनार्किस्ट हूँ, बात करते हैं मैं नक्सलवादी हूँ, मैं अनार्किस्ट हूँ, तो जाइए जंगल में रहिए, कश्मीर में उतर गया, कश्मीर की बात न कीजिए, दिल्ली चुनाव की बात कीजिए, जिस लक्ष्मीनगर की आप बात करते हैं, मैं वहाँ वोट डालूंगी, 7 तारीख को मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा में वोट डालना है, जिस दिन से कुमार विश्वास को अंडे पड़े लक्ष्मीनगर विधानसभा में, उस दिन से आम आदमी पार्टी नहीं दिखी लक्ष्मीनगर विधानसभा में। आप पदयात्राओं की बात करते हैं, आपका कैंडिडेट है कहाँ, इनका अहंकार। चलिए ठीक है अमित जी, मैं खुद उस विधानसभा, एक मिनट कृति जी आ रहे हैं। अमित जी, हम रैलियों की बात कर रहे हैं कि आखिरी दांव जिस तरीके से चला है बड़े नेताओं ने, हम राहुल गांधी की बात आपसे पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से एक उनका तेवर, एक जोश देखने को मिला इस रैली में, और अपनी उपलब्धियां तो गिनाई उन्होंने 15 साल की कि दिल्ली में हमने काफ़ी विकास किया, और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं कर सकती जो कांग्रेस कर सकती है, और दूसरी बात कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में लिया,
क्या कहेंगे, क्या था स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस रैली के जरिए, क्या संदेश दिया है कि जनता विश्वास करे आप पर? देखिए, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष सभी लोगों ने दिल्ली को संबोधित किया है अलग अलग जगहों पर और रोड शो किए, जिससे कि हम जनता से डायरेक्ट मिल सके और जनता से बात कर सके कि क्या कांग्रेस की नीति है और कांग्रेस ने पिछले 15 सालों में जो काम किए उसके नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। हम खाली दिखावा नहीं कर रहे, खाली बातें नहीं कर रहे कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। हम उनको ये कह रहे हैं कि हमने पिछले 15 सालों में ये काम किए और पिछले एक वर्ष में आपने 49 दिन में आम आदमी पार्टी सरकार भी देखी और परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी, और आपने देखा कि दिल्ली के जो विकास कर रहे थे, दिल्ली के जो छोटे छोटे मुद्दे थे, वो सभी काम कहीं ना कहीं रुक गए थे। अभी हमारे मुकेश जी ने कहा कि हमारी स्ट्रेटेजी के तहत हम इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम लोग प्रचार कर सकें, बड़ी बड़ी रैली कर सकें। तो ये तो मैं मानता हूँ कि अपना अपने सबकी स्ट्रेटेजी होती है प्रचार करने की, पर ये बात कहना कि हमारा पैसा नहीं है, इनकी ऐड में भी चलता है, कहीं ना कहीं एक सहानुभूति लेना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो ये पैसा बचा रहे हैं वो रैली में खर्च नहीं कर रहे हैं और सभाओं में खर्च नहीं कर रहे हैं, वो मुझे लगता है शराब के लिए बचा रहे हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर कितनी बड़ी खेप पकड़ी गई और सीपी साहब की खुद स्टेटमेंट आई कि जो इनके एमएलए हैं, नरेश बलियान, एमएलए नहीं उम्मीदवार जो हैं, विधायक के जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी से, नरेश बलियान जी, उनका नाम उसमें संदिग्ध है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पैसा दुरुपयोग करेंगे और इन चीजों में खर्च करेंगे और जनता के साथ जुड़ने में खर्च नहीं करेंगे ये लोग। मुकेश जी, दीजिए इस पर जवाब। क्या पैसा इसीलिए सेविंग की गई और इसीलिए आप ब्यौरा नहीं दे पाए इसका, कि जनता को नहीं बता पाए? विप्रेश जी, उस चीज की पुष्टि हो चुकी है और 8,352 बोतलें पकड़ी गई हैं। आप इसे पूछ लीजिए, उन 8,300 बोतलों का ये क्या करते हैं, पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं? और स्वाभाविक है, जवाब ये देंगे, आवाम पूछेगा तो जवाब ये देंगे। क्योंकि नहीं मुकेश जी, सवाल मेरा आपसे है, ठीक है, आप दीजिए जवाब, क्योंकि ये प्रायोजित है। इनका क्या काम प्रायोजित है? हाँ, प्रायोजित है, ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। कमिश्नर भी स्टेटमेंट देंगे, अभी यहाँ पे एलजी की सरकार चल रही है। मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, आप ईवीएम को लेकर गए थे, ईवीएम की शिकायत को लेकर आप गए थे चुनाव आयोग से, फिर से झाड़ पड़ी। नहीं, आप यही दिक्कत है, अगर आप कुछ पॉइंट खड़ा करेंगे तो उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो ना पूछा जाए क्या आपसे, क्या आपसे नहीं पूछा जाए? इनको जवाब, एक प्रश्न का एक पहले जवाब दे दूं तो दूसरा पूछे, आप मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप पूछते रहे, लेकिन एक प्रश्न का जवाब तो हो जाए। सिर्फ संदेह उपस्थित करना चार दिन पहले, जो प्रायोजित रूप से ये बातें इन्होंने पहले कभी नहीं की, ये सारे अप्रैल से ही चंदा आया हुआ है, इनको सारा पता है, इनके पास चेक भी है आवाम के पास, कहाँ से आया ये जवाब नहीं दे रहे। मैंने पहले भी कहा धीरे धीरे आपके प्रत्याशी के पास से बोतलें मिली या नहीं, आपने कहा कि ये संदिग्ध है। देखिए, ये यही काम है इनका, ये शुरू से इनकी स्ट्रेटजी है, पुष्टि हो चुकी है। किसने कहा संदिग्ध? पुष्टि हो चुकी है उसकी। ये किसने कहा? आपने आरोप लगाया सुबह। नहीं, मैंने तो नहीं कहा ये संदिग्ध है। आज सुबह किसने बात कही संदिग्ध की? बात ट्रायल खत्म हो गया। नहीं, संदिग्ध की बात क्या किया आपने? आपने गवाही खत्म हो गई केस की? ये कृति जी ने जो सवाल किया, 8,352 बोतलें नरेश बलियान के गोदाम से पकड़ी गई हैं, ये अभी आपको पता चलेगा कि बीजेपी के लोगों ने प्लांट किए हैं। क्योंकि जो घबराहट और बौखलाहट है, जो चेहरे पे हताशा दिख रही है, हम ये नहीं कह रहे कि सर्वे से हम जीत रहे हैं। अब एक सवाल पूछूं मैं आपसे, एक टक्कर हम दे रहे हैं, 10 मुद्दे खड़े करेंगे, विपरीत जवाब नहीं मिलेगा। आपने कहा कि प्रायोजित है, बीजेपी ऐसा कर रही है, सुपड़ा साफ, ठीक है, देखिए सुपड़ा साफ भी भाषा आ गई। शराब का बताइए ना, किसकी बोतल है वो, नरेश बलियान किसके प्रत्याशी? एक सवाल मुकेश जी सुन लीजिए, पार्टी की तरफ से कोई अधिकारी स्टेटमेंट नहीं आई, नहीं बात गलत है, ऐसा कुछ है कभी नहीं आती, नहीं आया आपकी पार्टी की तरफ से। और आप बार बार जो जांच ही होती रहती है, आवाम के जो लोग हैं वो कांग्रेस के लोग नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, वो आपके साथ काम कर रहे थे, वो लोग हैं, इसलिए आपको आपके साथ काम कर रहे थे और उन्होंने हमारे ही लोगों से तो लड़ रहे हैं, आपके पास तो कोई है नहीं, तो कहीं ना कहीं आपने पहले चेक एक्सेप्ट किया आवाम से। मुकेश जी, सवाल मेरा ये है कि ईवीएम को लेकर आपकी शिकायत थी, आपने बीजेपी पर आरोप लगाया, चुनाव आयोग के आप पास गए और चुनाव आयोग ने क्या जवाब आपको दिया, जरा बता दीजिए। चुनाव आयोग ने ये कहा कि अगर कहीं पे ऐसी बात होती है आप 100 नंबर पे फोन कीजिए, वो ईवीएम मशीन सीज हो जाएगा और उसकी जगह दूसरा दिया जाएगा। गलत बात कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, जिम्मेदारी हम निभा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए इसकी। ऐसे घटना पहले भी हो चुकी है, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, यूएस की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ वहीं से ये आया है, आपको पता नहीं है, आप ये आप ही तो सब पता है, वहाँ पे सारी चीजें अब वो वोटिंग हाथ से करते हैं, क्योंकि ये इन चीजों की संभावना है कि इसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ की जा सकती है। पहले मोहर लगती थी वो गलत था, अब बटन दबता है वो गलत है, कैंटून बोर्ड में जवाब देंगे ही नहीं, बड़ा साफ हो गया, मोदी की सारी लहर कैंटोनमेंट, अच्छा एक सीट नहीं आई बनारस में, आपकी एक सीट आती है दिल्ली कैंटोनमेंट में, उसमें आप नोट उड़ाते हैं, नोट उड़ाते हैं दिल्ली कैंटोनमेंट में, आप एक सीट जीतने पे शराब पकड़ी जाती है, उसका जवाब नहीं देते हैं। मंत्रिमंडल में जो बलात्कारी है
उनको आप बाहर निकालिए जिन पे आरोप लगा है, बलात्कार पे बात करनी है, ये बात आप बताइए। एक मिनट आप मुझे गाइड करें किस मुद्दे पे बात करनी है, मैं चर्चा में ही बढ़ाऊंगा। मुकेश जी ठीक है, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमें छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा क्योंकि सूरमाओं ने अपना दम दिखाया है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो रैली से निकल कर आना चाहिए, क्या वो निकल कर आया है? चर्चा ब्रेक के बाद। आखिरी दांव पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पार्टियों ने जो अपना आखिरी दांव चला है रैलियों के जरिए या जनसभाओं के जरिए या फिर इमोशनल होकर जिस तरीके से कहा जा रहा है रोड शो के जरिए, कितना कारगर होगा, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस बार दिल्ली चुनाव बेहद दिलचस्प हो रहा है और 7 तारीख को वोट पड़ेंगे और 10 फरवरी को परिणाम सामने निकल कर आ जाएंगे। बेहद दिलचस्प मुकाबला, कड़ा मुकाबला। अखाड़े में 2 पार्टियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। पुष्प रंजन जी, जिस तरीके से देखा जाए कि एक जातिवाद की बात आम आदमी पार्टी नहीं करती थी, लेकिन जिस तरीके से एक एड छपा उसको लेकर, एक वैश्य समाज को लेकर जिस तरीके से किया गया, और ये भी कहा गया कि हमने केजरीवाल को लेकर और केजरीवाल के जितने भी कार्यकर्ता हैं साथी हैं उनको लेकर बात की, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहाँ पर जातिवाद की बात ले आए, जाति की बात उन्होंने की, इस मुद्दे से तो बहुत दूर थी आम आदमी पार्टी। फिर दूसरों पर सवाल खड़े करने वाली आम आदमी पार्टी आखिर इस जाल में कैसे आ गई, इसका सहारा क्यों ले लिया अरविंद केजरीवाल ने? नहीं, इसका मौका तो पहले से ढूंढ रहे थे, लेकिन भाजपा ने ही मौका दे दिया। गोत्र की बात अगर नहीं, हालांकि गोत्र वो कहना कुछ चाहते थे लेकिन समझदारी हुई नहीं, जिस वजह से उसका फायदा, उस बॉल को इन्होंने कैच किया और फिर उसे चलाने लगे जहाँ जहाँ चलाना था। तो ये अवसर तो ढूंढ रहे थे क्योंकि दिल्ली में जो अग्रवाल समाज का वोट है या जैन समाज का वोट है, उस समाज को कैसे उकसाया जाए, उनका कैसे जगाया जाए, उस अवसर की तलाश में तो थे ये लोग। तो ये एक मौका मिल गया। मैं इसके अलावा दूसरी बात पे आना चाहता हूँ, अमित जी से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज राहुल गांधी की जिस तरह से रैली थी और जो भीड़ थी, उस भीड़ को लेकर क्या अफसोस कांग्रेस वालों को नहीं हुआ होगा? क्योंकि पहले भी ये अगर ये लगातार अगर कोशिश करते तो शायद ये तीसरे नंबर पे होते और मतलब लड़ाई त्रिगुणात्मक होती एक तरह से, ये वोट काट सकते थे काफ़ी कुछ, कई जगह इनके प्रत्याशी जीत सकते थे। लेकिन आखिर कांग्रेस का उपाध्यक्ष या जो बड़े टॉप लीडर जो भीड़ को इकट्ठी कर सकते थे वो सर, आप चुनाव प्रचार की कमजोर कड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कि क्या ये कांग्रेस के विरोध में ये काम नहीं हुआ है? भीतर ही भीतर आपके जो राजकुमार हैं वो क्यों नहीं निकले, उन्हें क्यों नहीं पहले निकलना चाहिए था? पार्टी इस बारे में कभी गंभीरता से चिंतन करेगी? जी अमित जी, दीजिए इस पर जवाब क्योंकि ये उठ रहा है वाकई में कि आपकी तरफ से ये कड़ी कमजोर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली में पूरा उसका जनाधार है और दिल्ली में उसके सारे दिग्गज नेता जो हैं वो प्रचार में शुरू से लेकर और अब तक लगे हुए हैं। अब रही बात कि सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी ने बहुत ज़्यादा सभाएं क्यों नहीं करी, तो देखिए जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो 4 या 5 सभाएं करता है। और रही बात कि हम पहले से क्यों नहीं थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो उम्मीदवारों को लिस्ट आई वो हम लेकर आए, सबसे पहले जो मैनिफेस्टो आया वो कांग्रेस लेकर आई। तो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ और अपने सभी नेताओं को लेकर, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो चाहे कनिष्ठ नेता हो, सब बिल्कुल मजबूती के साथ दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। हम चाहेंगे कि आप एक बार उन बड़े नामों का नाम गिना दीजिए जो एक्टिव रहे हैं चुनाव प्रचार। सभी लोग एक्टिव रहे हैं, सोनिया गांधी जी की रैली हुई, राहुल गांधी जी की रैली, सोनिया गांधी जी एक्टिव रहे हैं। सुन तो लीजिए, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सुबोध कांत सहाय जी और शीला दीक्षित, सुन लीजिए, सुन लीजिए अशोक गहलोत, सुन लीजिए अशोक गहलोत जी, हरीश रावत जी और आनंद शर्मा जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं और कांग्रेस को जिताएंगे। और जो कांग्रेस का काम है वो दिल्ली जनता ने देखा है और हमें पर्दे के पीछे पर्दे के सामने से ये सब मैं आपको अपने अभी इसमें दिखा सकता हूँ मोबाइल के अंदर। ये सब मैंने सच्चाई में रहा है कि ऐसा जहाज पे आपका कप्तान सवार है जो जहाज में कई सारे छेद हो चुके हैं। देखिए आपके कप्तान को चाहिए कम से कम अभी भी समझ जाए, देखिए अभी भी पार्टी का नहीं करें, नहीं नहीं देखिए लोग हार या जीत
ये दो सिक्के के दो पहलू हैं, हर एक को देखने को मिलते हैं। इतिहास में भी कांग्रेस ने बहुत बार हार का सामना करा है और फिर जो कमबैक किया है वो बहुत ही अच्छे प्रदर्शन के साथ किया है, और जो हमारी जो कमियां रही हैं या जो हम कहीं ना कहीं संगठन में कहीं कमजोर रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आने वाले आप समय में देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा। अमित जी, आपको लगता नहीं है कि बीजेपी ने किरण बेदी को मैदान में उतारा तो शीला दीक्षित मुकाबला कर सकती थी, क्योंकि तजुर्बा है उनके पास, 15 साल रही है, उनको कमजोरी और स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोनों पता है, तो आखिर क्यों पीछे वो हट गई, क्या वजह रही? अगर मुकाबले में होती तो शायद दिलचस्प फाइट चल रही होती इस वक्त, आप तीसरे पार्टी की पार्टी बन, तीसरे नंबर की पार्टी बनकर नहीं रह जाती। देखिए, शीला जी की अपना स्वास्थ्य का क्या कारण रहा, उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से बोला कि मैं इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, तो अजय माकन जी, अरविंद सिंह लवली जी, हारून नहीं, उन्होंने बाइट प्रॉपर दी है, नहीं बाइट प्रॉपर से बात प्रॉपर उन्होंने की, चार पे इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू दिए उन्होंने, देखिए लिए समय आपके पास नहीं, देखिए मैं यहां पर बैठ के बात कर रहा हूं, उसमें अलग मेरे स्टेमिना खर्च होता है, मैं जाकर रोड शो करूं, मैं जाकर लोगों से मिलूं, मैं जाकर रैली को संबोधित करूं, कई लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ में बात कर सकूं, उसमें अलग स्टेमिना की जरूरत होती है, वो उनका व्यक्तिगत कारण है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आज जो हमारे नेतागण है वो पूरी तरह सक्षम है। और रही बात किरण बेदी जी की, तो किरण बेदी जी को तो उनकी पार्टी में टक्कर मिल रही है, वो वहां से निपट लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। अमित जी, आपके स्टेमिना की बात मैं पूरी समझी, एक एज के साथ भी स्टेमिना का बड़ा फर्क पड़ता है, पर आज इतनी बड़ी रैली थी, सीढ़ी चढ़कर वेव तो कर सकती थी, आज क्यों गायब थी मन से? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, जब सोनिया जी की रैली हुई उसमें वो गई, उन्होंने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया, भाषण भी ना देती, हाथ तो हिला देती, वो मर्जी है उनकी, उनके नाम पर आप दिल्ली से वोट मांगने निकले, उनके विकास की आप बयार लगा रहे हैं, उनको मंच पर भी नहीं ला पा रहे हैं, कितना दुखद है जी। आप इससे बढ़िया इस बात का जवाब दीजिए कि कल आपके टंडन जी जो चुनाव प्रभारी हैं किरण बेदी जी के, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया और शाम को क्यों वापसी हो गया, ऐसे क्या कारण है जो विरोध हो रहा है आपकी पार्टी में किरण बेदी जी का? 100 घंटे, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 घंटे के अंदर पार्टी सदस्यता ली जाती है और उसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है। यदि वो बोलती है मैं समाज सेविका हूँ, किरण बेदी जी बोलती है, जब से मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, अभी 30% जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ी, महिला अपराध की घटनाएं घटी, उसमें कहाँ थी वो समाज सेविका? उन्होंने कोई एक डेमोन्स्ट्रेशन किया हो, कहीं कोई मांग करी हो, कहीं सीपी के लिए कुछ बोला हो? नहीं, देखिए जहां तक किरण बात दूर तक चली जाएगी विपेश जी, एक और आप चूंकि सर्वे और आखिरी दाव पे केंद्रित ये बहस है, तो एक और बिंदु पे मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल, आज मोदी जी जिस तरह से भाषण दे रहे थे, बहुत ही उनको लग रहा था जैसे कि ये छूटता हुआ, जैसे आप आखिरी दाव छूट रहा हो, उन्होंने सर्वे का सवाल उठाया और बहुत ही तल्ख तरीके से उन्होंने सर्वे पर क्वेश्चन करते हुए कहा कि बाजारू लोग सर्वे करते हैं, मतलब पूरे उस सर्वे के सिस्टम को बाजारू अपने बाजार में उतार दिया। बाजारू का कहना, यही सर्वे वाले कभी भी उन्होंने जब बनारस में वो चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी किसी ने नहीं कहा, हालांकि वो कह रहे थे कि ये लोग पूरी तरह से बनारस में कह रहे थे हार जाएंगे, का इस्तेमाल नहीं हुआ है ना इस तरह का शब्द, तब भी आपने कभी नहीं कहा कि सर्वे बेकार है और सर्वे की विश्वसनीयता पर हमने सवाल आपने कभी नहीं उठाया। आज आपको जब लग रहा है कि बाजी हमारे हाथ से निकलती जा रही है, तो सर्वे आपको बुरा लग रहा है, सर्वे के सारे काम करने के तरीके, उनकी रिपोर्ट, हर चीज आपको उस पर आपत्ति नजर आ रही है, ऐसा क्यों है ये समझ में? और साथ ही पीएम ने ये भी कहा है कि मैं गरीब हूँ, गरीबी को मैं समझ सकता हूँ। आप एक चीज गौर कीजिए, पूरी रैली में जो चार रैलियां उनकी हुई उसमें कपड़ा उनका बदल चुका था, लकटकिया सूट में नहीं दिखे हो, बहुत साधारण कपड़े में वो मंच पे आते रहे हैं लगातार, आज भी बहुत ही जो गरीब या मध्यम वर्ग का कोई पहनता है कपड़ा उस तरह के कपड़े में आए थे, ताकि शायद वो तो माहौल के हिसाब से कि नहीं वो... लेकिन वो उस तरह का मोदी जी ड्रेस कॉन्शियस बहुत है, उन 356 दिन में दोहराते नहीं कोई भी ड्रेस को, इस बात पे गौर कीजिएगा। मैं उनको गुजरात में मुख्यमंत्री कृति जी इस पर जवाब दें। देखिए जहाँ तक सर्वेस की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में सर्वे कराने का जो तरीका है, आप एक सर्वे टीम को हायर करें और 1,000 लोगों से एक कॉन्स्टिट्यूंसी के पूछते हैं और जो भी प्रमाण आता है वहाँ से उसके बेसिस पे आप सर्वे के रिपोर्ट देते हैं। इस समय तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा तो बाहर से बुलाए गए इतने इनके लोग हैं, तो जो भी फेक रिपोर्ट्स आ रही हैं लेटली, जो लास्ट सर्वेज आए हैं, सवाल जो सर्वे उसका जवाब दीजिए। सवाल ये पूछा है कि जो पीएम ने शब्दों का इस्तेमाल किया सर्वे को लेकर, बाजारू शब्द का इस्तेमाल किया, इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ, आखिर
इस रैली में क्यों सुनने को ऐसा मिला? देखिए सर्वेस के जो भी तथ्य हैं, जो आज भरोसा क्यों नहीं है सर्वे पर, क्यों भरोसा नहीं? हमें भरोसा जनता पर है, जनता जनार्दन ने हमें लोकसभा में भी चुनकर हमें प्रधानमंत्री जी को आज प्रधानमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री के तख्त तक पहुंचाया है, और बिल्कुल, और हम आने वाली 7 तारीख को भी हम निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे। सर्वे सामने निकल कर आए तब इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? तब आपको सर्वे तो दिख रहे थे, आज क्यों दिल्ली के लिए क्यों? क्योंकि दिल्ली में आते आते आते, राजधानी में आते आते आपकी रणनीति चेंज हो गई। मोदी लहर के सहारे आपने चुनाव लड़ा, अदर स्टेट जो असेंबली इलेक्शन हुए उसमें आम चुनाव में मोदी लहर चली, आखिर राजधानी में आकर मोदी लहर क्यों खत्म हो गई? किरण बेदी को आप फ्रंट पर लेकर आए, किरण बेदी के सहारे आप चुनाव लड़ रहे हैं, रणनीति में बदलाव, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, आखिर ये सब क्या है? क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित नहीं करती थी अन्य राज्यों में, तो आप ही के चैनल पर मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि कैंडिडेट क्यों नहीं। आज जब पार्टी कैंडिडेट एक चेहरा, एक पाक साफ चेहरा जिसको प्रशासनिक अनुभव है, उसको आगे लाती है, उसके नाम पर चुनाव लड़ती है, तो भी आज आप सभी को दिक्कत है कि अब चेहरा क्यों लेकर आए हैं दिल्ली में, मोदी लहर क्यों फेल हो गई है। पीएम द्वारा जो भी रणनीति, जो एजेंडा देश के लिए काम किया जा रहा है, वो पूरे विश्व के सामने है, और दिल्ली में हमारा अपना क्या दिक्कत है? डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने आगे किया था, उनके सारे राजनीति में बैठे, चेहरे को लेकर क्या दिक्कत है? साहब केंद्र की राजनीति में बैठे हैं, बैठे हैं या बिठाया गया उनको, ये बताइए। डॉक्टर साहब ने चुनाव लड़ा और दिल्ली की जनता ने उनको केंद्र की राजनीति में पहुंचाया है, बैठाने वाले हम कौन होते हैं? जनता जनार्दन है जो सर्वोपरि है, जिसने वोट डालना है आने वाली 7 तारीख को। पुष्परंजन जी, क्या आप जवाब से सेटिस्फाई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो खैर जनता ही हम लोगों को सुन रही होगी, तय कर रही होगी कि क्या इनका है। कि आप प्रश्न क्यों पूछते हैं कि नया चेहरा क्यों ला रहे हैं? अब चेहरा नहीं है पहले मुख्यमंत्री पद का जी, क्या यही वजह तो है? क्या राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, प्रश्न तो लोग हर पल पूछेंगे, हर बदलाव पे। यही आम आदमी पार्टी की दिक्कत है, यही आम आदमी पार्टी की दिक्कत है, यही कांग्रेस की पार्टियों की दिक्कत दरअसल यही है कि सवाल ना पूछे आप, ये कुछ भी करते रहे, सवाल ना जवाब देने के लिए आते हैं। मुकेश जी आ रहे हैं, कृति जी क्या यही वजह है कि आपकी रणनीति में बदलाव, इस तरीके शब्दों का इस्तेमाल, क्या यही वजह है कि आप दूसरे नंबर पर सर्वे में दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी? ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए पिछले 1.5 साल के अंतराल में जिस गलत और ये भी है, किरण बेदी को लेकर आपके खुद के नेता खुश नहीं है काफी। पिछले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी एकता के साथ चुनाव लड़ रही है, ऐसे कोई फूट की जो बात कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। उसके अलावा पार्टी अध्यक्ष ने चिट्ठी क्यों लिखी सारे कार्यकर्ताओं को कि आप एकजुट होके चुनाव में आप जो भी मनमुटाव उसे अलग रखें, अलग परिवार में कोई नया सदस्य जब सम्मिलित होता है तो उसको कुछ समय लगता है सबके साथ समन्वय में आने का, तो वो वही इनिशियली टाइम था जब चिट्ठी लिखी गई या कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने के लिए कहा गया, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जहां तक दिल्ली में चुनाव लड़ने की बात है, दिल्ली में हमने एक विशेष एजेंडा के साथ चुनाव लड़ा, क्योंकि पिछले 1.5 साल के अंतराल में जिस गलत में दिल्ली गई, दिल्ली में जो सिस्टम में खराबी आई, दिल्ली को जिस तरह से छोड़कर आम आदमी पार्टी द्वारा जाया गया, तो इसके तहत हमें लगा कि दिल्ली के चुनाव को हमें एक अलग तरीके से लड़ना होगा, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया और एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं और युद्ध के मैदान, चुनावी युद्ध के मैदान में। वाकई ये युद्ध का मैदान है, बताऊं क्यों? ये युद्ध का मैदान जो है, इसमें एक शब्द आपने इस्तेमाल किया पूर्वोत्तर के लोगों के लिए, ये शब्द जो अप्रवासी पूरा असम बंद रहा है, आज पूरा असम बंद रहा है, वहां पर बाकायदा प्रस्ताव पास हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए माफी मांगे लिखित रूप से, वो अदालत में जा रहे हैं इमिग्रेंट शब्द को लेकर। ये बड़ा देश स्तर पे राजनीतिक मुद्दा बन गया है, 2 लाख से अधिक पूर्वोत्तर के वोटर हैं यहाँ पर, उस पे भी असर पड़ेगा। आप इस शब्दों की गंभीरता से नहीं समझ पुष्प रंजन जी, लेकिन जिस दिन ये बात उठी थी शायद बीजेपी को एक गलती का एहसास, उनका बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, तो बात बाय मिस्टेक की भी नहीं, दिल्ली एक लघु भारत है, दिल्ली में सभी राज्यों से आए गए लोग हैं। गलती हो गई, हमने छोड़ दिया और माफी मांगी, तो उन्होंने कहा माफी से नहीं होता, आज ये माफी मांग रहे हैं, इनको माफ कर दीजिए। तो ये दोहरा जो मापदंड है, हम सरकार छोड़कर नहीं गए थे, हम दिल्ली छोड़कर नहीं गए थे। आप तो ऐसी बात करते हैं मुकेश जी, आप तो ऐसी बात करते हैं, सब्जी में नमक तेज हो जाता है, आप माफी मांग लेते हैं, कल सब्जी ठीक बना के खिलाएंगे, गलत बात कर रहे हैं आप, हमने कोई अपराध नहीं किया। दिल्ली लघु भारत है, दिल्ली में हर राज्य से हर भाषा बोलने वाला व्यक्ति रहता है और हम सबका सम्मान करते हैं। कांग्रेस जब गई तो अपना अहंकार भी इनको देखी, वो भी नहीं सुनते थे,
अहंकार तो आपका दिखता है ना, आज तक जवाब नहीं दे पाते किसी बात। बाजारू शब्द का प्रयोग किया, कुछ चीजों को हम शुरू से ही कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री सारे देश के हैं। पहले बीजेपी के नेता थे, जब विपक्ष में थे बोलते थे तो अच्छा भी लगता था, लोग इतना मानते नहीं थे। आज वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और आप सबके प्रधानमंत्री हैं, जो सर्वे करते हैं उनके भी हैं, जो नहीं करते हैं उनके भी हैं। तो गरिमा में कहीं ना कहीं लगता है जैसे कमी आई है। प्रधानमंत्री को इस लेवल पे बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत अनुभव भी हो रहा है, थोड़ा उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी भी मिल रही है, तो हम इन चीजों को मान के चलते हैं कि थोड़ा और गरिमा से रहने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, अरविंद केजरीवाल की गरिमा में बात आपके लिए भी लागू होती है कि आप भी गरिमा में रहे जी। ये हमारे अरविंद केजरीवाल तो 26 जनवरी की परेड भी रोक ले, उनमें उनको तो कोई गरिमा होनी नहीं चाहिए, उनके अंदर कोई संवेदना होनी नहीं चाहिए उनके अंदर। यही बात कुमार विश्वास पे भी लागू होती है, राखी बिरला पे भी लागू होती है, यही बात हम पे भी लागू होती है। इसलिए हम उन चीजों आपके एक एक समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर यही है कि सरकार में अभी प्रधानमंत्री, अभी आप लोग सरकार में, कल सीएम तो आप भी बने थे, सीएम तो आप भी बने थे, आपकी संवेदना कहाँ गई जो आप दिल्ली छोड़कर चले गए? मेरा एक सवाल आपसे ये है कि सुन लीजिए पहले, कि अभी तो परिणाम आए भी नहीं है, वोटिंग अभी हुई भी नहीं है, ठीक है कि सर्वे में आप आगे चल, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अक्सर ले डूबता है, ले डूबता है, ये आपकी तरफ से नजर आ रहा है, बिल्कुल ये आपकी तरफ से नजर आ रहा है, आपकी बातों से नजर आ रहा है, आप अहंकार की बात दूसरों के लिए कर रहे हैं, अहंकार आप में नजर आ रहा है, मगर अभी परिणाम सामने निकल कर नहीं आया। बार बार उसी चीज को बोल के झूठ बात सत्य नहीं हो सकती। अच्छा, अहंकार मेरे शब्दों में जनता तय करेगी, कृपया उस पर कुछ विश्वास रखिए, वो आपको भी तय करेगी, मुझे भी तय करेगी, इनको भी करेगी। सच्चाई तो ये है कि आप दूसरों पर जो आरोप आप में लगाए, सच्चाई तो ये है कि दूसरों पर नहीं, भी नहीं होगा। सुन लीजिए, आपकी दिक्कत क्या है, सवाल तो आपसे पूछे आप जाएंगे, पहले नहीं, आप जिस तरीके का व्यवहार करते हैं टीवी पर बैठकर उससे कोई फायदा नहीं है, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, मेरा काम है सवाल पूछना, ठीक है? आपको कहा था, वोल्टेयर ने कहा था, प्रश्न पूछने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय राजनीति ऐसी है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी प्रश्न पूछे गए, हमसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? हम माफी मांगते हैं, आप कहते हैं अहंकार है, इनके मुंह पे भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कहते हैं आम आदमी पार्टी, सर्वे आप दिखाते हैं, आप कहते हैं आप आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं योगेंद्र यादव। आखिरी दांव ये है, योगेंद्र यादव के किसी बहस में जवाब देने का जैसे मीडिया के बारे में इतना बेहतरीन है, इनके हर प्रवक्ता को उसको सुनना चाहिए, बिल्कुल उनके अंदाज को समझना चाहिए। तो आप बोल, आप लोग एकदम लठ लेकर भागने लगते हैं ना, यही मुश्किल है। आप अपने वोट को और मीडिया को और हर तबके को आप नाखुश करते हैं फिर अपने व्यवहार से। हाँ बिल्कुल, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, लोग जो उनका इंटरेस्ट है, मुकेश जी एक बात, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल, आपकी तो राह अलग, आपके सिद्धांत अलग थे, नहीं आप अलग सिद्धांत लेकर चले, लेकिन आज तमाम जो राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगा रहे, मुकेश जी सुन क्यों नहीं रहे हैं आप, सवाल तो सुन लीजिए पहले, नहीं 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 नहीं, आपसे जो सवाल मैं पूछती हूँ उसका जवाब तो आप कभी देते ही नहीं, आप सवाल, आपसे जरूरत नहीं है मुझे ज्ञान लेने की कि मुझे क्या समझ में आया है क्या नहीं आया, पहले सुन लीजिए, नहीं सवाल पहले सुन लीजिए, समझ से परे तो आप हैं, समझते परे तो आप हैं, क्यों आप सुनने को तैयार नहीं होते? नहीं, आप कहते हैं कि दूसरी पार्टियां जातिवाद की राजनीति करती हैं, क्या आपने नहीं की जातिवाद की राजनीति? सारे पॉइंट उठेंगे, आखिरी दांव की बात हो रही है, पहले सुनिए कि हमारी चर्चा किस पर हो रही है, आखिरी नहीं ये हो चुका है, आखिरी दांव है मुकेश जी, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इस तरीके से भाग नहीं सकते, भागने से काम नहीं चलेगा। पुराने दांव क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, आप पुरानी बातें उठा सकते हैं, आपसे सवाल भी ना पूछा जाए, एक आपत्ति नहीं, ये आप तय करेंगे क्या, ये आप तय करेंगे क्या, आपके साथ सवाल पूछे जाएंगे? 84 का दंगा उठाया सकता है, नहीं आप पूरा इतिहास उठा सकते हैं और आप ये तय करेंगे कि आपसे कौन से सवाल पूछे जाए?
तो हाथ तो रखे रहेगा ही। अमित जी हाथ भी चाहिए, आपने तो बिल्कुल मजा किया। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से एक पुष्प रंजन जी एक स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट सामने निकल कर आना चाहिए था, वाकई में एक सीरियस जो डिबेट हम कर रहे हैं, भले इन्होंने मजाक किया उसको बना दिया है, और आम आदमी पार्टी से सवाल क्यों ना पूछा जाए। पुष्प रंजन जी मेरा सवाल ये है, क्यों ना पूछा जाए सवाल तीनों पार्टियों से, क्यों जो भी नहीं, दोनों को दिक्कत नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, अभी आम आदमी पार्टी को ज्यादा दिक्कत है। भाषा का प्रयोग करते हैं आम आदमी पार्टी ने नहीं, आप भाषा में मत सिखाइए मुकेश जी, भाषा आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, भाषा आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए आप, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। पुष्प रंजन जी मत कीजिए, अगर आपने मैनिफेस्टो में चाहिए था मुकेश जी, प्लीज आप क्यों बुलाते हैं, प्लीज बोलने दीजिए, हमें भी बोलने दीजिए, आप बोलते रहिए, लेकिन आप हमें ये क्या तरीका हुआ, बैठ जाइए, आप हमें 10 सेकंड भी बोलने नहीं दे रहे हैं, आप ऐसा करो कि आप अपने मैनिफेस्टो में लिख दीजिए, आप अपने मैनिफेस्टो में लिख दीजिए कि हमारी पार्टी के खिलाफ कोई कार्टून न बनाए, नहीं तो शार्ली अब्दो जैसा बहुत शर्मनाक है, अगर इस तरह की बात आप ये कह दीजिए कि आपका कोई भी मीडिया आपसे प्रश्न नहीं पूछे, आपकी आलोचना नहीं करे, आपका अंदाज और मिजाज दोनों ही बदले हुए हैं, आप सुनने को तैयार नहीं है और आप कह रहे हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, आप सुन लीजिए पहले, क्या आपत्तिजनक है, आप किरण बेदी की फोटो छाप रहे हैं, सर्वे अपने करा रहे हैं, आप जिस तरीके से आपने पिछली बार भी आपने जगदीश मुखी जी की फोटो छपवा कर बिना परमिशन के आपने, तो ये सब सही है, आम आदमी पार्टी जो पोस्टर वॉर शुरू किया आम आदमी पार्टी ने, क्या ये सब सही है, आपके सवाल जब पूछा जा रहा है तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आप सुन नहीं रहे उसका जवाब, सुन रहे हैं प्रॉपर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, सवाल ये है कि जो पोस्टर वॉर आपने शुरू किया, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कार्टून, मैंने जातिवाद के मुद्दे पर आपसे सवाल किया, तो क्या था ऐसा, तो दिया क्या था आपने, जो कास्टलिज्म को लेकर आपने कास्टलिज्म को लेकर जो आपने कन्वर्ट कर दिया पूरे मुद्दे को, गोत्र का प्रश्न उठाते हैं आप, धर्म का मुद्दा उठाते हैं, इस गोत्र के लोग ऐसे होते हैं, आप गोत्र का मतलब जानते हैं, उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, अब जवाब दिया तो आप कहें कि आपने जो जातिवाद का मुद्दा उठा लिया, अरे प्रश्नों के जवाब भी नहीं दें, आप कार्टून बनाते हैं, हम उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, आप कहते हैं आपसे प्रश्न न पूछे, मैं हमेशा शुरू से कहा, वोल्टियर ने कहा था आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न पूछने के अधिकार के लिए मैं गर्दन कटा सकता हूं, लेकिन हमारा भी अधिकार है कि हम उसको रिप्लाई देंगे, बस इतनी सी बात है, आप कह रहे हैं आप रिप्लाई दे रहे हैं, इसका मतलब आप क्वेश्चन नहीं सुनना चाहते, बिना क्वेश्चन दिए बिना उस कार्टून को देखे कौन रिप्लाई देगा, आपने फोटो कैसे लगा ली किरण बेदी की, आप बताएं अवसरवादी किन बेसिस पे आपने लिख दिया किसी महिला की फोटो लगाकर, अभी दूसरा इशू लेके आ गए, आप पब्लिक फील्ड में है, मैं आपको बताता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछे अब जवाब ही ना दे, मैं आपके पास जवाब नहीं है, बताइए, आपको बताता हूं 498(9) डिफेमेशन का सेक्शन है, वहां पे डिफेंस अलाउड है कि अगर ये ट्रुथ है, अगर आप पॉलिटिकल फिगर हैं, आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपका चित्र लगाया जा सकता है, और आप उस पर डिफेमेशन नहीं फाइल कर सकते, आप जाके कार्टून बनाया जाए तो आपको दिक्कत होती है मुकेश जी, आप डिफेमेशन एक्ट मुझे ना पढ़ाएं, आपको समझ में नहीं आता, मुझे जानकारी है, थोड़ी सी वकालत अरविंद केजरीवाल को भी पढ़ाएं, आप 499 पढ़िए जाके, हमने साफ साफ कहा, क्या छुपा के लगाया, आपको इतनी वकालत की जानकारी है तो इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं वो, बीजेपी जब 2 करोड़ रुपए की अरविंद केजरीवाल ने जानना नहीं चाहा, आपके सारे दिग्गज नेता उस 6 लोगों की कमेटी में शामिल है, एक प्रश्न का उत्तर गोपाल राय है, संजय सिंह है, कुमार विश्वास है, नहीं आप बताएं 50 लाख रुपए का फोटो, आप तो 5-5 रुपए का हिसाब रखते हैं, आप तो वेबसाइट पर डालते हैं, वेबसाइट तो आपकी गंगा मई है, उसमें जो डुबकी लगा लेगा वो पवित्र होकर निकलेगा, अमर हो जाएगा वो, बताइए, चुप तो रहो थोड़ी देर, मैं कह रहा हूँ जगदीश मुखी का जब फोटो लगाया तो इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ, तो इन्होंने कोई उन्होंने कहा कि अब किरण बेदी आ गए, इनका फोटो लगा के दिखाओ, तो हमने किरण बेदी ने शिकायत की नहीं, किरण बेदी ने शिकायत की थी, इसकी आपत्ति थी, चुनाव आयोग ने क्या कहा आपको, आप लगा सकते हैं, जवाब दिया उसका नहीं, क्या कहा, क्या ये कहा कि लगा सकते हैं आप फोटो इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, आप पब्लिक फिगर है, आपकी बात आती है तो ये ऐसी बात, जब पब्लिक क्या कहा आप बताइए, चुनाव आयोग का कोई फाइंडिंग है इस पे, जब आप पब्लिक फिगर हैं, आप फील्ड में आए हो, मुख्यमंत्री हो, अवसरवादी क्या अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, क्या ये वर्जित है, आप भी कह रहे हैं आप अवसरवादी हैं, हजारों बल्कि अभी
अभी एक जो बीजेपी की नेता हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा कि ये चोर हैं, चोर डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सी प्रोसीजर चलेगी। अरे हम आपको कह रहे हैं हम चोर हैं, आप हमें सजा दे दो, सारी सरकार आपकी, पुलिस आपकी, हम विपक्ष में नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे जांच, बाद में करेंगे, क्योंकि अभी फायदा लेना है इलेक्शन में। हम तो कह रहे हैं आपके सभी नेता इतने खुश हैं, अफवाहों का बाजार गर्म कर, आपको तो खुशी होनी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, तो ये आखिर ये इतनी हड़बड़ाहट क्यों हो रही है? मुद्दों पर ही चर्चा बात कर रहे हैं। नहीं, आपको तो मुद्दे पर बात की जाती है, उत्साहित हैं नहीं, वो लोगों में जा रहे हैं कि चोर के आपने चुनाव आयोग में क्यों नहीं गए उनके विरुद्ध? देखिए हम पब्लिक फील्ड में, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, अब सुन लीजिए, मुकेश जी बहुत देर से आप बोल रहे हैं, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, सुन लीजिए, अब आपकी शायद शिकायत नहीं होगी कि आपको मौका नहीं मिला, अहंकार ठीक नहीं है, ठीक है, अब आपको शायद शिकायत नहीं होगी कि आपको मौका नहीं मिला, बहुत देर से आप कहना चाह रहा हूँ कि आप इनका, अरविंद केजरीवाल जी का एक वो आता है गोत्र के ऊपर, तो ये तुरंत भागे भागे चुनाव आयोग के पास जाते हैं। चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष एजेंसी है, सभी पार्टियों को सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, लेकिन जब चुनाव आयोग बार बार चेताता है अरविंद केजरीवाल जी को कि आप इस तरह के व्यक्तित्व तो मत दे दीजिए जिससे कि समाज में गलत मैसेज जाए, उसको नहीं मानते अरविंद केजरीवाल जी, कब बोला है उसके बाद, जब से उसके बाद बोला है, बयान को दोहराया नहीं करते, जब आपको ठेस लगती है तब आप भागे भाग चुनाव आयोग के पास जाते हैं। चुनाव आयोग ने आपसे कहा, सुन लीजिए मेरी बात, चुनाव आयोग ने आपसे कहा कि जो आप, सुन लीजिए मुकेश जी, वायलेट किया मुकेश जी, चुनाव आयोग ने आपसे कहा कि जो आप सर्वे दिखा रहे हैं 47 सीट्स आम आदमी पार्टी और 23 सीट्स भारतीय जनता पार्टी, उसमें कोई आधार नहीं है, वो वायलेशन है, उसको हटाइए आप, अगर आप पे कॉपी नहीं है तो मैं आपको दूंगा वो कॉपी जो चुनाव आयोग ने आपको इशू करी है, लेकिन ऐसा कुछ भी काम आम आदमी पार्टी नहीं मानती, लेकिन जब उसको लगा कि ये मेरे खिलाफ जा रहा है और कहीं ना कहीं मुझे मीडिया फुटेज चाहिए, तो आप भागे भागे चुनाव आयोग के पास गए। अरे आप सम्मान तो करना सीखे पहले, चुनाव आयोग नहीं सारा सम्मान करते हैं। अब आपके नेशनल चैनल पे मुकेश जी ने बोल दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस भी वायलेशन करती, इसलिए हमने भी कर दिया, ये लोग कोई भिन्न नहीं है, सबसे ज्यादा जो अपराधी आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी, क्योंकि निष्कर्ष की ओर मुझे बढ़ना है, क्योंकि ये पार्टियों की अक्सर दिक्कत रही है कि सवाल इनसे ना पूछा जाए। खैर, सवाल पूछना मीडिया का काम है, मीडिया अपना काम करेगा, मेरा सवाल ये है कि ये जो मुद्दे सामने निकल कर आए हैं, ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाए और एक नई रणनीतियां देखने को मिली है पार्टी की ओर से, क्या लग रहा है कि इसके सहारे जीत पाएंगी ये पार्टियां, और जीत गई तो क्या फिर जनता को दे पाएंगी इस तरीके से? बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया है कि जनता को भी और जो नए वोटर आपके हैं, जो युवा है, जो नया नया वोटर बना है, वो क्या सीख रहा है इस पूरे राजनीतिक मल्ल युद्ध से, और चुनाव आयोग इस मल्ल युद्ध का ऐसा रेफरी है जो किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सिर्फ वो फरमान जारी कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, आप वैसा ना करें, कार्रवाई नहीं कर रहे। चुनाव आयोग को सख्ती से चाहिए था 2-3 कौओं को लटका देता, अपने आप सब कुछ ठीक ठाक हो जाता। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और जिस तरीके से वाकई में देखा जाए कि एक जो एक नया सिलसिला इसमें देखने को मिला है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिलचस्प मोड़ है, लेकिन ये हर बार एक सिलसिला सामने निकल कर आता है, अब देखना ये होगा कि जनता किस पर विश्वास करती है, क्योंकि कसरत पूरी पार्टियों ने कर ली है। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़।